आज मैं आपको थोरेसिक काइफोसिस के हवाले से गाइड करूंगा, प्रॉब्लम बताऊंगा कहाँ प्रॉब्लम आती है स्पाइन में और उसका ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या है उसका, क्योंकि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड ही ट्रीटमेंट जो है ना वो गाइड करूंगा आपको। ठीक है, अब जब थोरेसिक काइफोसिस की हम बात करते हैं, थोरेसिक काइफोसिस में बेसिकली जो आपकी बैक ऑफ थोरेक्स की जितने भी मसल्स होते हैं यहाँ के, इनकी एक्सेसिव लेंथनिंग हो जाती है, लंबे हो जाते हैं प्लस वीक हो जाते हैं। वीक होने की वजह से एक्सेसिव लेंथनिंग इनकी हो जाती है। ये जितनी भी स्पाइन है, जितने भी रिब्स हैं, ये पीछे की तरफ मूव कर जाते हैं। अब सेम यही चीज अगर आगे की तरफ देखी जाए, जब यहाँ से बैक ऑफ थोरेक्स के मसल्स पीछे की तरफ मूव करते हैं रिब्स और जो स्पाइन है, उसी तरह जो साइमल्टेनियसली एक काम और हो रहा होता है, जो यहाँ से कॉन्ट्रेक्शन है आपके जो रेक्टस एब्डोमिनस जो पेट के जो मसल्स होते हैं इनकी, ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। इसके सुकड़ने की वजह से, चेस्ट के अंदर दबने की वजह से इसका एक्सेसिव प्रेशर पीछे की तरफ आ रहा होता है। ये तो इसकी टोटल पैथोफिजियोलॉजी है जिसको हम कंसीडर कर रहे होते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है फिजियोथेरेपी से रिलेटेड मैं आपको गाइड करूंगा। हमें करना क्या है, सिंपल एक काम करना है कि हमें यहाँ बैक ऑफ थोरेक्स के मसल्स को हमें लेंथनिंग से शॉर्टनिंग की तरफ लाना है, दिस वन, ताकि ये शॉर्टनिंग की तरफ आए, सुकड़े और मजबूत हों, और आगे जो पेट के मसल्स हैं ये स्ट्रेच होके ये लंबे हों। मीन आगे की तरफ लेंथनिंग हमें लानी है और पीछे की तरफ हमें कॉन्ट्रेक्शंस लानी है या शॉर्टनिंग लानी है मसल्स में। इसके लिए मैं आपको एक्सरसाइजेस गाइड करूंगा। सबसे पहले आप लेट जाएं, सीधे लेटने के बाद आप जो पहली एक्टिविटीज के लिए करें वो आपका हेड प्रेस है, कि आप अपने सर को बेड के ऊपर पुश कीजिए, 5 सेकंड्स के लिए पुश कीजिए, 1 2 3 4 5, फिर उसको रिलैक्स कीजिए, फिर से पुश कीजिए, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। पहली एक्टिविटी आप हेड प्रेस कीजिए। दूसरी एक्टिविटी आप अपनी एल्बोज को बेड पे प्रेस कीजिए, नीचे प्रेस कीजिए, 1 2 3 4 5। जूं ही आप एल्बो प्रेस करेंगे आपका थोरेक्स ऊपर उठना चाहिए, जो पूरा रिब केज है पूरा ऊपर उठना चाहिए। ठीक है, ये एटलीस्ट जे आप कम से कम 15-20 रिपीटेशंस विद 5 सेकंड होल्ड के साथ आप ये करें। दूसरी चीज ये हो गई। अब तीसरी चीज ये है कि आप ऐसा एक रोल बना लें किसी बेडशीट का या किसी टॉवल रोल का या किसी फॉर्म का, वो आप एग्जैक्टली थोरेसिक स्पाइन के नीचे रखेंगे और उसके ऊपर आप लेट जाइए। ठीक है, यहाँ से आप लेट जाएं और दोनों हाथों को पीछे गिरा दें अपने। ठीक है, दोनों हाथों को बिल्कुल पीछे गिरा दें। ठीक है, 10-15 मिनट्स तक दोनों हाथ पीछे गिरा दें। ठीक है, ये यहां से आपके पेट के मसल्स लेंथनिंग में आएंगे, जिसकी वजह से आपका थोरेसिक काइफोसिस बिल्कुल सीधा होने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको एक्टिविटी करनी है वो ये है कि आप अपने दोनों हाथों को स्प्रेड कर लीजिए आगे और आप एग्जैक्टली स्पाइडरमैन पोज, दिस वन, इसको होल्ड कीजिए ऊपर 5 सेकंड्स, फिर वापस नीचे। स्लोली आप इसको ऊपर उठाइए, फिर 5 सेकंड्स, फिर नीचे। स्लोली आप इसको ऊपर उठाइए, 5 सेकंड्स, देन नीचे। एक तो ये एक्टिविटी आप करें। नेक्स्ट ये है कि दोनों एल्बोज पे आप आ जाए और अपने सर को पूरा ऊपर की तरफ, छत की तरफ इसको मूव कीजिए, फिर नीचे, देन छत की तरफ। ये 10-15 times, 20 times आप हर एक्सरसाइज रिपीट कीजिए। ठीक, जो नेक्स्ट एंड लास्ट एक्टिविटी है वो ये है कि आप पुशअप्स कीजिए। अगर आप स्टार्टर हैं, मीन आपको पुशअप्स नहीं आपने पहले किए और आपकी स्ट्रेंथ कम है, आप अपने दोनों नीज को बेंड कीजिए, अपने नीज पर बैठ लीजिए पूरी बॉडी का, और यहां से हाथों से आप अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। ठीक है, 1 2, फिर ऊपर उठाइए, 3 4 5 times कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए। ये आप 3 sets 5 5 reps के आप कीजिए, सुबह में भी और शाम में भी। ये बहुत जल्दी आपका कैफोसिस ये बिल्कुल सही हो जाएगा।